ढाई तीन किलोमीटर मेरा गांव हंडा रखवाना। तो एक गरीब घर में एक बच्चे का जन्म होता है, उसका नाम रखा जाता है मनराज। वह छोटी सी उम्र में निकल जाता है जयपुर धंधा करने के लिए, वहां से धीरे 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 दूसरा धंधा में चल जाता है। पूछते भी नहीं रहते कि आप कैसे बने, इस परिस्थिति में कैसे आए। अब मुझे वैसे भी गाने का शौक ने बढ़ दिया दिमाग से, जो मैं आज भी वहाँ से जयपुर चला गया। जयपुर में मैंने कुछ कैसे धंधा किया, कोई गाड़ी चलाई, ऐसे कर कुरा के अचानक किसी ने तो मेरे साथ ऐसी विपदा पड़ गई। वो मैं गाड़ी की लाइन में चला गया 2017 में। जाने के बाद में मैं अच्छी ऊंची मेरी जिंदगी जीने लगा। मेरे परिवार की गरीबी मैंने दूर की, मैंने मेरे परिवार की गरीबी दूर की। मैं समाज जहाँ बलाई जहाँ में गया, उसके बाद में जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूँ मेरे को परेशान किया जाता है। मैंने गांव में मकान बनाया, मैंने स्कूल में नहीं बनाया, जो भी छोटा मोटा बामो सा सबसे बड़ा इस टाइम की मेरे मुझसे कहता नहीं, मैं बामो सा मेरे गांव के स्कूल का जहाँ धर्म हुआ वहाँ मैंने किया भी छोड़ी। आदम तक मैंने किसी जिंदगी का घमंड नहीं दिखाया। तो वहाँ से मैं लेता हूँ, उसके बाद में गाय की बढ़ने के बाद उनका पाँच मोटरसाइकिल वो मेरे घर पे थी। तो उसी उसके बाद में मैंने ली, जैसे गाय चलते चलते 12 महीने 1.5 साल में एक स्कॉर्पियो ली। स्कॉर्पियो लेने के बाद में जब से इनके वो मेरे परेशान करने लगे तो मेरे मित्र था, उन्होंने बोला थार ले ले, थार में कोई खतरा नहीं है, चलो ठीक है। अब मैं यहाँ से रहने लग गया, मैंने मकान बना लिया, बड़ी अच्छा अच्छी मेरे बच्चों के साथ जिंदगी जी रहा था। तो ये लोग यहाँ मेरे को परेशान करने लगे इस फील्ड में, मैं देवनारायण भगवान की कसम खाई कहता हूँ। तो मैं मेरे पिताजी को और मेरे छोटे भाई को इस गांव में छोड़ गया, धोनी गाड़ियों को छोड़ गया। क्यों छोड़ गया मैं? क्योंकि उन गाड़ियों को जानते थे कुत्ते। क्यों छोड़ गया गाड़ी? वहां जाके मैंने मकान लिया, लोन करवाई, किसी भी लिया, उसके बाद में एक अल्टो गाड़ी ली, उसमें मैं घूमता था। मेरे एक बच्ची और एक बच्चा एक पेट में, उनकी मैंने एडमिशन करा दिया, सुख शांति की भी जिंदगी जी रहा था। अचानक रात को एक फोन आता है, 1:30 बजे 1:30 11:12 बजे चालू किया। मैं ओम प्रकाश जी कुमार से बोल रहा हूँ, मुंह बोल तू गणदेव दादा से बात कर, मुंह बात करा कि मेरे को पैसे चाहिए भाई के पैसे, तू एक बार मिल जा, चलो कोई दिक्कत नहीं। वहां से वैसी बात हो गई, हमारे कुछ गड़बड़ हो गई। उसके बाद में आप कुछ बोलना चाहते हो उसके भाई? अगर बड़ा बुजुर्ग अगर कोई बोलना चाहते हो मेरे यहाँ गलती हो तो मैं यहाँ ही मरने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में मैंने फ्लाई ओवर कर दिया उस फोन के। 2 बजे ही फोन आता है, मेरा दोस्त है सरदार गणेशगंज से, यार तेरी गाड़ियों की आग लगा दी। तो प्रशासन ने मेरे व्हाट्सएप पे डाला, मेरी धोनी गाड़ी आगे आग लग रही है झुपड़ी। अब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, लोग यह भी कहते हैं कि मंदराज ने गाड़ी की किस्त नहीं लगी इसलिए आग लगा दिया। तो मेरे गाँव वालों से यह पूछना चाहता हूँ, मैं 6 महीने से गाँव में था क्या? 6 महीने से गांव में आया भी हो क्या? मैं 6 महीने से मैं गांव में नहीं था। मेरी स्कॉर्पियो और लर्न देख लो, क्लियर गाड़ी है। थार में मेरा आधा लोन चल रहा है, टाइम टाइम किस्त जा रही है। मेरी गाड़ी चलाए गणदेव आसाराम और ओम प्रकाश जी, उनके साथ अन्य लोग है, आज इस भीड़ में भी है। लेकिन उन तीनों को तो कानून सजा देगा। उनके घर वालों से मेरा निवेदन है, आपकी औलाद ने किया मेरा हर जाना नुकसान का मुझे दिया जाए। एक आप अदर गांव पे जाते हैं, एक परिवार पे हमला करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, किसकी बात आ गई? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, आज 9 बार 9 दिन उस बात को 9 दिन हो गया। जब मैं देवा कोटा का एक गाना गया था, उसमें बातू समाज का नाम आया था, प्रशासन ने मेरे को शिकर से उठाया, मेरे को 3 दिन रिमांड पे रखा, बीच में लेके गए, फिर 5-3 दिन बाद रिमांड पे रखा। तो मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मेरे तो एक गाना गया था ना, प्रशासन कहते हैं कि छोटे मोटे केस पहले थे, जब तुझे आप कोई मार नहीं आएगी 151 केस किसी के नहीं है भाई, जब किसी के नहीं से पूछ रहा हूँ मैं, तो जान बचाने के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है ना। तो उसके बाद प्रशासन ने मेरे को मास्क उठा के लाके जेल भेज दिया। तो मैं ऐसे ये चीज रखना चाहता हूँ कि उनको क्यों नहीं उठा रहे। एक दिन प्रशासन से बात करता हूँ, प्रशासन कहते हैं कि टॉस सबूत दो। अब मैं ऐसे पूछता हूँ, इससे ज्यादा टॉस सबूत क्या है? जब मुस्लिम अगर अपना जुर्म कबूल कर ले, मैं सबके सामने बड़ा।
में मेरा पूरा बदला ले लूंगा, मैं डायरी लैंड में दोबारा नहीं आऊंगा। और मेरे दो प्रोग्राम बुक है, मैंने मेरे मुनीम को बोल दिया मुनीम साहब वहां पर डाल लेगा। अगर उनकी तरह मैं बढ़ूंगा जब मेरा बदला पूरा होगा, मेरे बाप को कल जोगे तुम्हें क्या करूंगा, मैं तो इतनी दूर रहता हूँ। मैंने तो ये बोला अगर मेरी कोई गलती हो तो आप बताओ, ये फैसला सम्मान करेगी। उनसे पूछो मेरे से क्या चाहते, बिना फालतू मेरे फोन से ले दिया। जय देव नारायण भगवान की।